वैसे तो ऐश ने अब तक कई सारे पोकेमोन पकड़े और छोड़े हैं, बट क्या आपको पता है कि ऐश के पास एक्चुअली 30 टॉरस है। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ, ऐश ने तो सिर्फ एनिमे में एक ही टॉरस दिखाया था। ऐश ने इस 30 टॉरस को कब पकड़ा और किस एपिसोड में पकड़ा, हमने तो कोई एपिसोड देखा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये सब हुआ पोकेमोन के सीजन 1 के एपिसोड 35 में, जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ डटीनी। ये एपिसोड सिर्फ जापान में दिखाया गया और बाकी कंट्रीज में इसे बैन कर दिया गया था। बट इस एपिसोड में एक्चुअली ऐसा था क्या जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया? इस एपिसोड में हमारे हीरो जाते हैं सफारी जोन में, और अगर आपको नहीं पता तो सफारी जोन एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ पैसे देकर अंदर जाते हैं और वहां पाए जाने वाले कुछ स्पेशल पोकेमोन्स को पकड़ सकते हैं। बट अंदर जाने से पहले आपको अपने पूरे पोकेमोन्स बाहर रखने होते हैं और आपको मिलते हैं 30 स्पेशल बॉल्स, जिन्हें कहा जाता है सफारी बॉल्स। सो इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीज दिखाई गई जो कि काफी वॉयलेंट थी। सो चलिए देखते हैं। सफारी बॉल तो चली जाओ ना, これ があればゲットギャッ。初めに言っておくが、サファリゾーンで使えるのはこのサファリボールと釣り竿だけじゃ。ルールを守らんときはわしのサンダーボルトが火を吹くぞ。サンダーボルトって？あれ、バイバイバイ。जी हां, ये है गन। और छोटे बच्चों के कार्टून में तब गन दिखाना मना था, क्योंकि इससे बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एनीवे, इस एपिसोड में भी ऐश सफारी जोन के अंदर गया था और उसे भी नॉर्मल ट्रेनर्स की तरह 30 सफारी बॉल्स मिले थे। बट जब जब उसने पोकेबॉल्स फेंके किसी पोकेमोन को पकड़ने के लिए, तब तब उसके सामने से टॉरस का एक झुंड गुजरा और इसी तरह ऐश ने पकड़े 30 टॉरस। सो ये रहा एक और कूल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास इसके बारे में कुछ नए फैक्ट्स है तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही ग्रेट वीडियो और ग्रेट कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन रिमेंबर, यू आर अ पोकेमोन मास्टर। बाय।